ऊपर नजर आ रहा चित्र दुनिया का पहला फोटोग्राफ है। पहली नजर में शायद समझ में न आए कि यह क्या है, लेकिन फोटोग्राफर द्वारा इसे दिया गया टाइटल सब कुछ कह देता है। फ्रेंच आविष्कारक जोसेफ नाइस्फोर नीपचे ने इसे शीर्षक दिया व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास। यह दुनिया का पहला फोटोग्राफ है जो 190 साल पुराना है। इसे 1826 या 1827 में खींचा गया था। आज स्मार्टफोन के इनबिल्ट कैमरों के दौर में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस बेहद साधारण चित्र को खींचने के लिए जोसेफ को क्या कुछ नहीं करना पड़ा था। इस चित्र में जोसेफ की खिड़की से नजर आने वाला व्यू है। इसमें एक बिल्डिंग की छत और कुछ पेड़ दिख रहे हैं। जोसेफ को इस चित्र को खींचने में 8 घंटे लगे थे। उसने जस्ते की प्लेट पर बिटुमन ऑफ जुडिया और एक तरह के डामर का मिश्रण पोता था। यह एक लाइट सेंसिटिव मिश्रण था। फिर उसने इस प्लेट पर रोशनी को फोकस किया और कैमरे को बिना हिलाए डुलाए ऐसे ही रहने दिया। धीरे धीरे 8 घंटे में जहां रोशनी पड़ी, बिटुमन का वह हिस्सा कड़ा हो गया। इसके बाद जोसेफ ने बिटुमन के नरम हिस्से को धोकर अलग कर दिया और उसे दुनिया की पहली तस्वीर प्राप्त हो गई। उस समय तक फोटोग्राफी शब्द नहीं बना था। जोसेफ ने इसे हेलियोग्राफी नाम दिया, जिसका मतलब होता है रोशनी की लिखावट। बाद में यह प्लेट गुम हो गई थी और फिर 1952 में अचानक एक क्रेट में बरामद हुई।